अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे भोपाल से। अगली बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, जहां भोपाल में प्रदूषण का लेवल बढ़ा है, एक बार फिर से राजधानी की हवा खराब हो रही है और मई के बाद पहली बार 100 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है। तो राजधानी की हवा फिर से खराब होने लगी, प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है और मई के बाद पहली बार 100 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है। तो मानसून की विदाई होते ही राजधानी की फिजा भी अब दूषित होने लगी है। धूल और धुएं के प्रदूषण का जहर घुलना शुरू हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए वैभव जी का रुख करेंगे, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, एक बार फिर से राजधानी भोपाल में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। जब लॉकडाउन था उस समय सड़कें खाली थी, वाहनों की आवाजाही कम थी, शुद्ध हवा राजधानी वासियों को मिल रही थी, लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन हट गया है, वाहनों का लंबा काफिला हम सड़कों पर देख रहे हैं, मानसून की विदाई अब हो चुकी है, तो एक बार फिर से वातावरण में जहर घुलना भी शुरू हो चुका है। जया, अपनी खूबसूरती के लिए जाने वाला शहर भोपाल अब अपने प्रदूषण के लिए जाना जा रहा है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो भोपाल का 100 के पार पहुंच रहा है। मौसम भी बदल रहा है और हम देख रहे थे कि अब धीमे धीमे मानसून की विदाई हो रही है, तो जो सड़कें हैं उनमें जो गड्ढे हैं उनमें धूल भर गई है और गड्ढे गहराते जा रहे हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन वायु प्रदूषण भी भोपाल में तेजी से बढ़ रहा है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जिसको आमतौर पर 50 के ऊपर अगर होता है तो वो सांस लेने के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर वो 100 तक पहुंच जाता है तो केवल संतोषप्रद ही माना जाता है, तो मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है इस तरह की हवा। जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के पार पहुंचता है, तो भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के पार अब पहुँचता जा रहा है। मौसम भी बदल रहा है, जहाँ लॉकडाउन के दौर में हमने भोपाल की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स थी वो बहुत कम पर पहुंच गया था, 50 पर पहुंच गया था, जो कि बेहद अच्छी होती है सांस लेने के लिए, लेकिन अब वही एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बढ़ने लगा है, क्योंकि सड़कों पर वाहन चल रहे हैं, जो औद्योगिक गतिविधियां होती हैं वो शुरू हो गई हैं, कई पुलों के काम ठप पड़ गए थे लॉकडाउन के दौर में, अब वो फिर से शुरू हो गए हैं, तो वायु प्रदूषण भी तेजी से बढ़ने लगा है। और कई बार जो पर्यावरण प्रेमी होते हैं, NGTV ने इस पर कई बार नोटिस भी जारी किया है कि भोपाल में वायु प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो उसको थामने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और सरकारों के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्योंकि ना केवल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो बढ़ रहा है, इसके साथ ही जो औद्योगिक नगर हैं भोपाल मध्य प्रदेश के, चाहे वो पीथमपुर की बात की जाए और इसके साथ जो ग्वालियर के नजदीक मालनपुर है वहाँ की बात की जाए, तो वहाँ का भी जो क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, प्रदूषण का स्तर लगातार वैभव जी बढ़ रहा है, और ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए जा रहे हैं सामाजिक संगठनों की तरफ से, राजधानी वासियों की तरफ से, लेकिन ये प्रयास इस वक्त नाकाफी साबित हो रहे हैं और इसका परिणाम यह है कि एक बार फिर से राजधानी की हवा प्रदूषित हो रही है।